हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी एचडीबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फोन पे वॉलेट बैलेंस को बैंक पे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना वॉलेट बैलेंस चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरा वॉलेट पे 100 रुपया बैलेंस है, इसे मैं बैंक पे ट्रांसफ़र करूँगा। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा बैक कर लेता हूँ। बैक करके मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। प्रोफाइल की ऑप्शन पे मैं क्लिक करके मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा मेरा फोन पे वॉलेट बैलेंस किस बैंक के साथ लिंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फोन पे वॉलेट बैलेंस फिलहाल पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंक है। ये प्राइमरी यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, पैसा जो है पेटीएम पेमेंट बैंक पर डिपॉजिट हो जाएगा। और वॉलेट बैलेंस को बैंक पर ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देखिए अनलिंक, मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंक है, इसे मैं अनलिंक कर दिया। यहाँ पर आप मैं फ़ोन पे वॉलेट बैलेंस 100 रुपया जो है उसे मैं बैंक पे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले जो करना होगा, तो देखिए मैं फ़ोन पे की होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ और एकदम नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है वेल्थ के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए गोल्ड 24K गोल्ड, इनके ऊपर मैं क्लिक कर दिया। और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपको गोल्ड खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए बाई गोल्ड इनके ऊपर मैं क्लिक कर दिया। और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए 100 रुपया इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि मेरा फोन पे वॉलेट पे 100 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट मंथली और यहाँ पर साइट में देखिए वन टाइम, तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा रुपया है फोन पे वॉलेट पे, तो मेरा 100 रुपया है तो 100 रुपया यहाँ पर है। और ऊपर आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पर देखिए वन टाइम और यहाँ पर देखिए मंथली, तो यहाँ पर वन टाइम पे मैं सिलेक्ट कर लिया, वन टाइम पे सिलेक्ट कर लिया, 100 रुपये यहाँ पर है। नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही फिर से यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेरा फोन पे वॉलेट बैलेंस यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक दिखा रहा है, नीचे पे के ऊपर क्लिक कर दिया। और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए मेरा फोन पे वॉलेट की जो गोल्ड पर्चेस है ये सक्सेसफुली पर्चेस हो गया। और मेरे को 100 रुपया का कितना परिमाण गोल्ड दिया है आप यहाँ पर देख सकते हो, 0.0184 इतना परिमाण मेरे को गोल्ड दिया, इसे आपको याद रखना होगा। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो 0.0184 ग्राम्स। और अभी जो गोल्ड खरीदा है इसे मैं 24 घंटे के बाद सेल कर सकता हूँ। तो चलिए सेल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से सेल किया जाता है। 24 घंटे के बाद मैं फिर से फोन पे एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। अब मैं जो गोल्ड परचेस किया था उसे मैं सेल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही पे आ चुका हूँ। नीचे यहाँ पर देखिए वेल्थ के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। वेल्थ के ऊपर क्लिक करके फिर से यहाँ पर देखिए 24K गोल्ड इनके ऊपर मैं क्लिक कर दिया। और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए मैं जितना परिमाण गोल्ड परचेस किया था 100 रुपये का, तो इस तरह से शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 0.0184 ग्राम्स। अब यहाँ पर देखिए व्यू लॉकर डिटेल इनके ऊपर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए सेल गोल और यहाँ पर देखिए गेट डिलीवरी, आपको घर पे पहुँचा भी दिया जाएगा, लेकिन मैं सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सेल गोल के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, सेल इन रुपीज़, सेल इन ग्राम। तो मैं ग्राम पे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सेल इन ग्राम, मेरा कितना ग्राम मैं गोल्ड परचेस किया था मेरा याद है। तो यहाँ पर देखिए सेल ग्राम, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। मैं इनके ऊपर क्लिक कर दिया सेल ग्राम। अब मैं जो परिमाण मैं गोल्ड परचेस किया था वो देख के यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर दिया 0.0184। देखिए क्लिक करते ही टाइप करते ही यहाँ पर देखिए 93.74 पैसा मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर GST चार्ज लेके मेरे को 93.74 पैसा मिल रहा है। तो चलिए अब मैं इसे सेल कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो जीरो चार्ज पे फोन पे वॉलेट बैलेंस कैसे बैंक पे ट्रांसफ़र किया जाता है, एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो उनका प्रोसेस मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेल के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए गोल्ड सेल सक्सेसफुली यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से आपको सक्सेसफुली दिखेगा। अब ये जो पैसा है मेरा तुरंत पेटीएम पेमेंट बैंक पे डिपॉजिट हो गया है। आपका जिस बैंक के साथ लिंक है उसी बैंक पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो चलिए मैं पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करके मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ पैसा तुरंत डिपॉजिट हुआ कि नहीं। तो ऊपर देखिए मैसेज थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैसेज के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैसेज के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। देखिए 93.74 रुपीज़ मेरा पेटीएम सेविंग अकाउंट पे डिपॉजिट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।